असलम डियर स्टूडेंट आज से हम नया चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एम डी कैट या ई e कैट या आप किसी भी कम्पटेटिव एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इससे आपको जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है सारा का सारा डिवाइज्ड हो जाएगा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके एस एल ओ बेस्ड एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इन शाला अगर आप ये वाली वीडियो फुल देखते हैं इसके अलावा मैंने बहुत सारे अकेडमीस के एम uh, सी जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं आप वो भी देख सकते हैं सब फर्स्ट uh, और सेकंड ईयर के अलग अलग प्ले लिस्टें बनी हुई हैं और उनके अंदर सारे के सारे एम ही आपको मिलेंगे इसके अलावा आपने uh, किसी चैप्टर के ऊपर आपको एम सी क्यूज रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन में कर सकते हैं सो so, ये जो वीडियो है इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के uh, जो टॉपिक्स हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आते हैं वहाँ के एम हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फंडामेंटल पार्टिकल्स इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है इनकी डिस्कवरी के अबाउट हम बात करेंगे और उसके बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और देन बोहर एटॉमिक मॉडल जो पेश किया गया था वहां से एमसीक्यूज जो है वो लिए गए हैं इस पे हमारे पास टोटल 80 एमसीक्यूज है ठीक है जिसको हम कवर अप करेंगे और हो सकता है कि हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में कवर करें लेकिन अब अगर आपने वो वाले पार्ट्स देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं आपको वहां पे इनके लिंक्स मिल जाएंगे पार्ट नंबर वन टू थ्री जितने भी पार्ट्स बने उसके लिंक्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सो लेट दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है फ्राम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेडेड देश अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था ये जे जे थॉम्सन ने किया था ठीक है ये आप लोग अपने पास नोट करें कि जे जे थॉम्सन जो था इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी बेसिक जो रीजन थी दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने जो फंडामेंटल पार्टिकल है ठीक है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं लेकिन जिसमें फंडामेंटिक फंडामेंटल है वो कौन कौन से है प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है दैट इज़ द न्यूट्रॉन आपको ये बात पता होगी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस रिजाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीन वगैरह पायन मायोन्स ये सारे होते हैं लेकिन जो फंडामेंटिक फंडामेंटल है जो बेसिक है वो कौन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अब जे जे ने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब में और उसने जो चीज़ थी जिसकी डिस्कवरी की थी वो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर है कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज इन अ फ्रैक्शन तो प्रोटॉन की बात करें प्रोटॉन हम डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं पढ़ रहे उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज ये बात वैसे है तो ठीक लेकिन यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब ने हमें ये बात नहीं बताई थी ये हसमभाव रदर फोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कहा था कि भाई दरम्यान में कोई चीज मौजूद है पर उसके बाद फिर उसकी आगे डिस्कवरी हुई थी उसके बाद मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स तो यस ये उसकी बेसिक कंक्लूजन जो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक उठाते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसमें सबसे एंड के ऊपर आपको यही कंक्लूजन में लिखा होगा के मैटर्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स और ये जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके मुताबिक ये था कि मैटर चाहे आप जो भी ले लो ठीक है चाहे आप जो भी मैटर ले लो सब के अंदर क्या होते हैं एटम्स uh, होते हैं और एटम्स के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो so यही हमारे पास राइट right ऑप्शन है कि मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी के अंदर पॉजिटिव रेज आर ऑलवेज लाइटर देन द कैथोड रेज तो राइट right ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी भी की थी फिर उसके बाद चार्ज टू मैथ्स रेशो जो था वो भी ई बाई एम जिसको आप बोलते हो चार्ज टू मैथ्स रेशो भी फाइंड आउट किया था वो अपने पास आप नोट कर सकते हैं वन पॉइंट सेवन फाइव एट मल्टीप्लाई बाई टू दावर टेन कुलम पर के जी ठीक है तो ये इसने क्या कहते हैं इसको चार्ज टू मैथ रेशो फाइंड किया था मैथ्स जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी आप अपने पास नोट कर लें नाइन पॉइंट वन जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी ठीक है ये के जी के अंदर इसका मैथ है जो डिटर्मिन किया गया था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एम सी क्यू से हट के मैंने आपके साथ डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर टू की, की तरफ बढ़ते हैं कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बेरिलियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है हीलियम के साथ और कार्बन की प्रोडक्शन कर रहा है विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन दिस रिएक्शन इज डैश अब ये जो फुल रिएक्शन है वो यहाँ पे तो वो मिसिंग है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हीलियम है ठीक है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है टू एटॉमिक मास होता है फोर इसी तरह जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं बेरिलियम के साथ ठीक है बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो नाइन है और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर फोर एटॉमिक मास नाइन है इससे हमारे पास क्या बनता है कार्बन की फॉर्मेशन होती है डी के कार्बन एलिमेंट बनता है और साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है ठीक है हमारे पास क्या होता है न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है न्यूट्रॉन का मास देखिए जीरो है अब ये है क्या चीज एक्चुअली ये हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारे पास क्या है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है ये अब किसने की थी चैडवेक ने की थी चैडवेक एक बंदा था जिसने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था 1932 में और इसी बंदे को 1935 में फिर इसी वजह से नोबल प्राइज भी दिया गया था इसने यह क्या था कि इसने पोलोनियम एलिमेंट लिया कौन सा पोलोनियम ठीक है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसने पोलोनियम एलिमेंट लिया और उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी अल्फ़ा पार्टिकल्स या जो अल्फा रेज है इसकी प्रोडक्शन होगी जो अल्फा पार्टिकल हीलियम ही है ये प्रोड्यूस हुआ और इसको इसने बंबार्ड किया ब्रिलियम के ऊपर जब इसने बंबार्ड किया ब्रिलियम के ऊपर तो बेलियम टूट गया और उससे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी कार्बन की और साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया तो ये एक्चुअली क्या थी दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अब अगर हम इसमें बात करते हैं पोलोनियम की तो पोलोनियम हमारे पास क्या होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हमारे पास रेज प्रोड्यूस हो रही है अल्फा रेज की प्रोडक्शन हो रही है और उसको आप बम कर रहे हो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास है एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो याद रखेंगे जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो एग्जोथर्मिक होते हैं एग्जो का मतलब होता है बाहर ठीक है बाहर एक्जो मींस जहां पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ठीक है ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको आप क्या कहते हो तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी के अंदर है कि न्यूक्लियर रिएक्शन तो यस न्यूक्लियर रिएक्शन ही है क्योंकि आप न्यूक्लियस को क्या कर रहे हो ब्रेक कर रहे हो बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है उसको आप ब्रेक कर रहे हो बंबार्ट कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है इन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रेडक्टिविटी यस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो हीलियम को उठा के विलियम ऊपर हिट कर बंबार्ट कर रहे हो तो ये आर्टिफिशियली आप सब कुछ कर रहे हो सो दैट इज आल्सो द राइट ऑप्शन सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कि ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है द नेचर ऑफ कैथोड अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बता, बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको नाम किसने दिया था डिस्कवर तो जेजे थॉमसन ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लेकिन स्टोनी एक बंदा था इसने इलेक्ट्रॉन जो है इसको फिर नाम दे दिया था पहले इनको आ, नाम नहीं दिया गया था डिस्कवरी के बाद लेकिन फिर इसको नाम जो था वो स्टोनी ने दिया क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है कि द नेचर ऑफ कैथोड रे इन द डिस्चार्ज ट्यूब अब ये डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैथोड यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज इनडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस या फिर डिपेंड अपॉन अब याद रखें कि जो कैथोड रेस हैं जिसको आप नेगेटिव रेस कहते हो इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तो ये आ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज ठीक है डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो भी गैस ले लो ठीक है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप जो भी गैस ले लो उससे हमारे पास क्या होती है कि कैथोड रीज की प्रोडक्शन होती है डिस्चार्ज ट्यूब में सो so, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ना दैट इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन्स अब हमारे पास यहाँ पे सोडियम आयन है ठीक है ऑक्साइड का आयन है और ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑफ फ्लोराइड आयन है और फिर मैग्नीशियम जो है आयन है अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का तरीका आपको, आपको शायद आता होगा नहीं तो मेरी पहली वीडियोज़ जी थी उसके अंदर तो मैंने इसको डिटेल के साथ किया था तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम आयन को ठीक है हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सोडियम आयन अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पे करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिखेंगे और प्रोटॉन्स चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो सोडियम uh, का जो एटॉमिक uh, नंबर है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है वो क्या होता है कि अलेवन uh, होता है और एटॉमिक मैस इसका कितना होता है ट्वेंटी थ्री होता है तो हम यहाँ पे ट्वेंटी थ्री लिख देते यहाँ पे इलेवन कर देते न्यूट्रॉन्स मैस नंबर में से आप क्या करते हो एटॉमिक uh, नंबर को माइनस uh, कर देते हो तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने आपके पास आ जाएंगे ट्वेल्व ट्वेल्व आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स वैसे सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इलेवन होते हैं लेकिन यहां पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो इलेवन में से आप एक माइनस कर दो तो आपके पास टेन हो जाएंगे प्रोटॉन स्टिल हमारे पास क्या होंगे इलेवन होंगे ये मैं लिख देता हूं साथ में अच्छा आ, दूसरा हमारे पास है फ्लोराइड आइन ठीक है F विद नेगेटिव चार्ज मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नाइन एटॉमिक मैथ इसका होता है नाइन तो हमारे पास नाइनटीन माइनस नाइन हम करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने टेन आ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें वैसे नाइन होते हैं एफ के ऊपर नेगेटिव वन चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो नाइन प्लस वन हो जाएंगे ये हो जाएंगे टेन तो मैं यहां कर देता हूं हमारे पास नाइन ही रहेंगे आपको ये पता होगा तो माइनस कर दे तो आपके पास एट न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और हम अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे एट होते हैं लेकिन एकगेटिव चार्ज है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे नाइन और फिर हमारे पास यहां पर एट uh, ही रहेगा प्रोटॉन नंबर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा uh, आयन है वो है मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम विद पॉजिटिव टू चार्ज इसका एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी फोर एटॉमिक नंबर होता है इसका ट्वेल्व ट्वेंटी फोर में से ट्वेल्व को माइनस कर देंगे ट्वेल्व हो जाएगा न्यूट्रॉन और फिर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्वेल्व से आप दो को माइनस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव टू चार्ज है मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं तो अगर ट्वेल्व से आप दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो टेन इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और प्रोटॉन नंबर स्टिल हमारे पास क्या होगा ट्वेल्व ही रहेगा ठीक है तो ये आप देख लें आ, कि यहाँ पे देखें आ, टेन और टेन, ये इक्वल है, एट और नाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे ट्वेल्व और टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम है यहाँ पे देखिए टेन और ट्वेल्व और टेन तो हमसे पूछ क्या आ रहे हैं हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन तो यहां पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्साइड आयन में देखें ऑप्शन नंबर सी में देखें कि एट हमारे पास क्या है एट हमारे पास न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइन है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा है तो हमारे पास यही राइट right ऑप्शन है आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट डैश फ्रॉम नाइट्रोजन अब एक न्यूट्रॉन है उसको आपने बम्बार्ड किया नाइट्रोजन के साथ तो क्या चीज वहां से निकाल सकता है तो सिंपल आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि अगर आपके पास नाइट्रोजन है डीकेटमिक में

Uh, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ग्रेटर ठीक है ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे राइट right ऑप्शन है कि जो कैथोड रेज होते हैं ना उनका चार्ज टू मैस रेश ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव या फिर कैनाल रेज से क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इन करेक्ट अब यहाँ पे ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बीटा ई इज डायरेक्शन टू बीटा ये यहाँ पे uh, जो क्वेश्चन है इसके अंदर शायद मिस्टेक है ठीक है ये हमारे पास क्या है इसमें मिस्टेक है लेकिन इसमें जो राइट right ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी के ऊपर ये जो एरो बना हुआ है ये हमारे पास क्या होता है दैट इज द वेव नंबर और ये एच स जो आपको नजर आ रहा है दैट इज लैमडा ठीक है ये पहला हमारे पास म्यू है और दूसरा हमारे पास लेमडा है म्यू जो है ये हमारे पास होता है वेव नंबर म्यू जो हमारे पास है दैट इज द वेव नंबर का सिंबल है और ये जो लैमडा है ये हमारे पास क्या होता है दैट इज द वेव लेंथ दैट इज द वेव लेंथ अब ये वेव लेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जेगेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ ठीक है आपके पास एक वेव है अपवर्ड जो है ये जगह इसको आप क्रस्ट कहते हो डाउनवर्ड को आप क्या कहते हो ट्रफ कहते हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप लैमडा वेव लेंथ कहते हो ठीक है तो अब ये होगी इसकी डिफिनेशन और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ को आप क्या कहते हो वेव नंबर नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ को आप क्या कहते हो दैट इज द वेव नंबर और इसकी अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्ट वेवलेंथ यहां यहाँ पर इसने क्या किया हुआ दैट इज इक्वल टू लेमडा लेकिन ये गलत है दैट इज वर्ट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इसके रेसिप्रोकल में है इसको आप रादर यू कह सकते हो कि वेव लेंथ और जो लेमडा होते हैं सॉरी uh, जो वेव नंबर है और जो वेव लेंथ है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से ऑप्टेन किया गया ये हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ये जो हमारे पास है uh, म्यू ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी ठीक है इसको क्या कहते हो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट पर सेकंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी और ये प्रोपेशनलिटी uh, के साइन आप हटा देंगे तो आपके पास इक्वलिटी आ जाएगा इक्वलिटी की uh, आने की वजह से आप क्या करते हो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाते हो और यह एच लगा देते हो अब ये एच क्या होता है एच जो है दैट इज द प्लांग्स कांस्टेंट ये हमारे पास क्या होता है दैट इज द प्लांग्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी अक्सर पूछी जाती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है तो आपको वो भी याद होनी चाहिए कि वो होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन डिस्प और माइनस थर्टी फोर जाऊल सेकेंड ठीक है अब यहां पे आपको ये पता है कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है ये होती है सी बाय लेमडा ठीक है ये हमारे पास होती है सी बाय लेमडा सी आपके पास क्या है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट और यही चीज आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा ठीक है ये डेरिवेशन है जो आप लोग आगे पढ़ते आ रहे होंगे उसमें क्वांटम थ्योरी में अब ये जो हमारे पास वेव नंबर होता है इसकी भी आप याद रखें कि ये हमारे पास होता है दैट इज इनिवर्स प्रोपोर्शनल टू वन बाय लैम्डा और उसके बाद हमारे पास यही चीज वन यहां पे वन भी है ना और लैम्डा भी है वन और लैम्डा की बजाय आप क्या पुट कर सकते हो ये आप इसके अंदर पुट कर तो आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी और म्यू बार ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन होती है जो कि आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से डिराइव करते हो एनीवेज आप अपने पास नोट कर सकते हैं बेसिक चीज जो बतानी थी वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये जो रिलेशनशिप है दैट इज इन करेक्ट ये एनर्जी वाली ठीक है ठीक है ये हमारे पास आई थिंक सो so इन्होंने फ्रिक्वेंसी लिखना था लेकिन शायद ये गलत कर गए क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वेव नंबर अब बताएं कि इसमें से वेव नंबर की यूनिट कौन सी नहीं है तो याद रखें कि हमें पता है कि वेव नंबर जो प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ अब वेव लेंथ की जो होती हैं। वेव लेंथ को आप किस चीज मयर करते हो इसको आप मीटर में मयर पर मीटर मयर कर सकते हो या आप पर सेंटीमीटर और पर मिलीमीटर के अंदर आप मैयर कर सकते हो सो ऑप्शन नंबर ए जो है आ, ये हमारे पास वेव नंबर की यूनिट हो सकती है ऑप्शन नंबर सी भी हो सकती है ऑप्शन नंबर बी भी हो सकती है लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है स, आ, सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका नहीं है ठीक है दैट इज नॉट यूनिट ऑफ वेव नंबर क्यों क्योंकि हमें पता है कि ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ठीक है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चल रहे होते हैं वेव नंबर और ये जो वेव लेंथ है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं तो इसकी यूनिट जो है Uh, वो हमारे पास हमेशा पर में ही आएगी ठीक है पर के अंदर आएगी रेसिप्रोकल में ही आएगी हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर सिर्फ इन्होंने सी एम लिखा हुआ है इसके ऊपर पर नहीं आ रहा तो इसलिए हमारे पास दैट इज नॉट द यूनिट ऑफ वेव नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी स्टेट ई थ्री टू ई वन विल एमिट अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी डैश जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांजिशन होती है वो ई थ्री से आ रहा है ई वन की तरफ Uh, मतलब एनर्जी लेवल जो वो ए थ्री है और वहां से ई e, वन uh, की तरफ आ रहा है तो वहां पे फोटोन जो है एमिट करेगा एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो इक्वेशन uh, होगी वो क्या होगी मतलब उसकी वो फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी अब हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी जो है ना दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी अब ये ने बताया कि फ्रीक्वेंसी अब यही चीज जो है इसको आप इक्वेलिटी में चेंज करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो कि आपको पता है कि है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है अब ये जो आ, चेंज इन एनर्जी है चेंज इन एनर्जी आपके पास यहां हो कहां है ट्रांजिशन E3 से कहां पे आ रही है E1 तो आप चेंज इन एनर्जी कैसे लिखोगे E3 थ्री फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट E3 थ्री माइनस ई आप यहां पे लिख दें ठीक है चेंज इन एनर्जी है इसी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दें इसके अंदर ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा E3 थ्री माइनस ई वन इज इक्वल टू एच और म्यू फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी को यहीं पे छोड़ दें एच यहाँ पे मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ई थ्री माइनस ई वन डिवाइड बाई एच तो यहां पे आप देख सकते हैं कि राइट right ऑप्शन आपको कौन से वाला नजर आ रहा है तो ये है फ्रीक्वेंसी ई थ्री माइनस ई वन डिवाइड बाई एच तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन हमारे पास है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्थ थ्योराइज बाय बोहर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एटॉमिक सेप्ट। अब कहते हैं ये सारी की सारी थ्योरी दी गई थी बोहर एटॉमिक मॉडल में लेकिन एक ऐसा है जिसके अबाउट नहीं बताया गया था वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल ऑफ एच डी टू पाई ये बेसिक डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है बुक की उसमें लिखा हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना दैट इज द मल्टीपल ऑफ एच डी ऑर्डर टू पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट उसके बाद इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन अ गिवन ऑर्बिट डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट आर इंक्रीजिंग तो इनमें बाकी बातें तो ठीक है सारी लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन गिवन ऑर्बिट कह रहे हैं कि जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे रिवॉल्व करते करते वो क्या कर रहे होता है अपनी एनर्जी रेडिएट मतलब निकाल रहा होता है तो ये बात बोहर ने नहीं बताई थी वो कह रहा था कि वो किसी फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे हैं सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दैट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम एज पर बोहर एटॉमिक मॉडल अब नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इससे हमारे पास, पास, इस पास तीन टाइप के जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको ऑप्टेन किया गया था एक हमारे पास प्रिंसिपल है एक एज है एक मैग्नेटिक है इन तीनों को ऑप्टेन किया गया था लेकिन स्पिन जो है इसको आ, नहीं ऑप्टेन किया गया था स्टूडेंजर वेव इक्वेशन से इसको दिया था गोल्ड स्मिथ ने ठीक है गोल्ड स्मिथ एक बंदा था इसने क्या किया था इस स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया था अब इन सब के अबाउट एमसीक्यूज हमारे पास बहुत सारे हैं ठीक है जैसे प्रिंसिपल जो है ये हमें क्या बताता है ये साइज़ के बारे में बताता है डिस्टेंस के अबाउट बताता है एजमुथल जो है ये हमारे पास शेप के बारे में बताते हैं ऑर्बॉल्स की इसी तरह मैग्नेटिक में, प्रॉपर्टीज के अबाउट कौन बताते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के अबाउट कौन बताता है मतलब स्पिन क्लॉक व्इस होगी एंटी क्लॉक व्इस होगी वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकंड पार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इन एटम इज अब आपने सेकंड शेल की बात कर रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास फार्मूला है एन स्क्वायर का ठीक है एन स्क्वायर का एन के ऊपर आप स्क्वायर लगा दें ठीक है as a whole square अब ये सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा है तो सेकंड 2 2 का स्क्वायर लगा लो मतलब n की जगह पे 2 लगा दो क्योंकि शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल n के साथ शेल नंबर जो होता है ना उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो अब यहां पे n कितना सेकंड अगर सेकंड है तो आप n की जगह पे 2 लगा दो और स्क्वायर लगा दो 2 का स्क्वायर ले लो तो क्या आपके पास आ जाएगा 4 तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इतने ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद होंगे सेकेंड शेल के अंदर और वो कैसे होते हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंफ्योगेशन पता होगी पहले शेल के अंदर होता है वन एस टू सेकेंड में आपके पास क्या होता है टू एस टू और फिर टू पी सिक्स ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितने हमारे पास ऑर्बिटॉल जो हैं पहले शेल के अंदर आपके पास ये एस ऑर्बिटॉल होगा सेकेंड के अंदर एस और पी दोनों होंगे सेकेंड के अंदर क्या होंगे एस uh, और पी दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसी तरह फिर 3 s2 होगा एंड ऑनवर्ड अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हम बात करेंगे अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज 4 ठीक है तो सेकंड के अंदर हमारे पास जो तो टोटल तो तो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे वो 4 होंगे और वो 4 कैसे होंगे आपको ये पता है कि 2s है ठीक है और 2p x 2py टू पी जेड क्योंकि पी जो है फर्दर इसकी स्प्लिटिंग हुई होती है टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड के अंदर तो ये आप ऑर्बिटॉल्स देख सकते हैं एक एस हो गया और तीन हो गए तो टोटल ऑर्बिटॉल्स कितने हो वन प्लस थ्री ये हमारे पास फोर ऑर्बिटॉल्स हो गए जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्वेश्चन सुनाओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज so विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड ठीक है आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें क्वांटम नंबर्स के सेट्स गिवन है आपसे पूछ रहे कि कौन सा ऐसा है जो कि अलाउड नहीं है सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको स्मॉल एन नजर आ रहा है एन क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे एन हमारे पास क्या है दैट इज थ्री इसका मतलब है, हमारे पास थर्ड जो शेल है उसकी बात कर रहा है तो थर्ड शेल के अंदर एल इज टू टू इसके लिए आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी जीरो वन टू थ्री एस पी डी एंड एफ ठीक है जीरो के लिए जो ऑरबिटॉल है दैट इज एस वन के लिए पी और फिर टू डी और थ्री एफ यहां पर एल हमारे पास टू लिखा हुआ है एल हमारे पास क्या है टू लिखा हुआ है टू का मतलब कि हमारे पास डी और बटॉल की बात करे डी जो है दैट इज टू ठीक है तो हमारे पास इसका मतलब यह कि जो थर्ड शेल है उसके अंदर डी आता है कि नहीं आता तो यस हमारे पास थ्री एस भी आता है थ्री पी भी आता है और थ्री डी भी आता है तो इसका मतलब है ये ऑर्बिटॉल जो है वो अलाउड है थर्ड शेल के अंदर और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी के लिए ऑब्वियसली जीरो आ, आ सकता है आ, हमारे पास ये आ, प्लस वन भी आ सकता है और हमारे पास ये नेगेटिव वन भी आ सकता है प्लस टू भी आ सकता है और फिर हमारे पास नेगेटिव टू भी आ सकता है तो ये भी अलाउड है स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की वो या तो नेगेटिव वन होगी या पॉजिटिव वन तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के कल टू थ्री एलिजिकल टू वन एलिजिकल टू वन का मतलब पी और बटॉल ठीक है हमारे पास थर्ड शेल है थर्ड शेल के अंदर हमारे पास थ्री एस भी आ सकता है थ्री पी भी आ सकता है और थ्री डी भी आ सकता है और पी मतलब वन तो इसका मतलब थ्री पी अलाउड है अगेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है क्योंकि पी के लिए जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो होगी या फिर माइनस वन होगी या फिर पॉजिटिव होगी तो देखिए माइनस वन स्पिन तो वैसे भी माइनस वन बाई टू ही होता है और उसके बाद एलिजिक टू थ्री एलिजिबल टू जीरो एलिजिबल टू जीरो मीन हमारे पास थ्री एस की बात कर रहे हैं थ्री एस में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो जीरो होती है वो भी हमारे पास यहाँ पे ठीक है स्पिन की वैसे भी माइनस वन बाई टू ठीक लिखी हुई है ये ये या माइनस वन बाई टू होगी या फिर पॉजिटिव वन बाई टू होगी तो इसका मतलब है कि दीज ऑल आर अलाउड हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहां पे राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर फाइव पी और इज अब फाइव पी और के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी होगी फाइव uh, पी का मतलब ये इसमें ये जो फाइव है ना दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो हम कहेंगे कि एन इज इक्वल टू फाइव अगर हम पी की बात करते हैं पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है दैट इज वन ठीक है पी के लिए एन के लिए क्या होती है दैट इज वन तो हमारे पास ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू फाइव तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन से वाला बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखें एन इज इक्वल टू फाइव और एल इज इक्वल टू वन हमारे पास ये राइट ऑप्शन right है ये इसका क्वांटम नंबर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमारे पास है सब हैविंग एंड इज डिजाइनेटेड एज डैशक्स एल इज टू थ्री अब एन इज इक्वल टू सिक्स का मतलब तो हमारे पास ये सिक्स हो जाएगा और एल की वैल्यू थ्री थ्री की वैल्यू हमारे पास होती है एफ और के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स एफ तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी नाउ द नेक्स्ट टाइम इज क्वेश्चन नंबर द नंबर ऑफ डी जनरेट और इज अब पी के अंदर कितने डी जनरेट और बटोल होते हैं हमें पता है कि पी और बटोल जो इसकी फर्दर स्प्रिटिंग होती है किसके अंदर पी एक्स पी वाई एंड देन पी जेड तो हमारे पास यहाँ पे तीन सबर बटॉल होते हैं सब शेल होते हैं सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है इसको फाइंड आउट करने के लिए एक और भी फार्मूला आपके पास होता है टू एल प्लस वन ठीक है टू एल प्लस वन फार्मूला है इसको यूज करके भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप टू लिखें एल की जगह पे पी पी की वैल्यू आपको पता है जीरो वन टू थ्री एस पी डी एंड एफ ठीक है एस पी डी एंड एफ पी और है पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पी के लिए एल की वैल्यू हमारे पास वन है तो एल की जगह पे आप वन लिख दो प्लस वन कर दो टू वन जार्लस वन कर दें थ्री तो यहाँ से भी आपके पास इसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक नेक्स है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है कि एन प्लस एल वैल्यू फॉर फोर एफ विल बी डैश अब एन प्लस एल वैल्यू अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है फोर एफ तो एन प्लस एल तो एन हमारे पास यहाँ पे फोर गिवन है तो आप फोर लिख दो एल एफ के लिए आ, एल की वैल्यू कितनी होती है थ्री होती है तो फोर प्लस थ्री हमारे पास कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास एक तो सेवन आ गया दूसरा हमारे पास फाइव पी है फाइव पी में एन जो है वो फाइव है और पी के लिए वैल्यू देखें हमारे पास वन है तो फाइव प्लस वन हो जाएगा सिक्स सेवन और सिक्स देखें राइट ऑप्शन ऑप्शन उप नंबर सी ही बनेगा ठीक है हमारे पास ये सेवन होगा और ये हमारे पास सिक्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19 अब हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो गिवन है आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कितने होंगे अब ये जो है ये आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा न्यू हो लेकिन मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसको आप सिंपली टू के ऊपर डिवाइड कर दें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 19 इसको आप टू के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 9.5 इसको आप राउंड ऑफ करें तो राउंड कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास राइट uh, ऑप्शन right है इसमें इतने नंबर ऑफ ऑर्बेटॉल्स होंगे और अगर आप इसको वैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हैं तो आपके पास हो जाएगा वन एस टू टू एस टू अटोमिक नंबर है हमारे पास हो जाएगा थ्री एस टू फिर हमारे पास हो जाएगा थ्री पी एक्स थ्री पी वाई थ्री पी जेड और फिर हमारे पास हो जाएगा फोर एस आखिर में वन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें नाइनटीन होंगे ऑर्बेटॉल फाइंड आउट करते हैं कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड देन टेन तो कितने ऑर्बेटॉल्स बन गए टेन आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो अदरवाइज आप ये वाला फार्मूला जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स को आप टू के ऊपर डिवाइड कर दें मतलब जो अटोक नंबर गिवन है उसको आप टू के ऊपर डिवाइड कर दें आपके पास आप नंबर ऑफ ऑर्बेटॉल जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हमारे पास है ल की वैल्यू अगर हमारे पास टू है तो वो ऑर्बेटॉल कौन सा होगा पहले तो आपको ये देखना होगा वो डी ऑर्बेटॉल है अगर वो डी है तो वैल्यू आपके पास या नेगेटिव वन होगी या नेगेटिव टू होगी या, या पॉजिटिव वन होगी और सॉरी पॉजिटिव वन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव टू यहाँ पे आएगा ये हमारे पास नेगेटिव वन होगा ये हमारे पास नेगेटिव टू होगा, होगा तो कितनी वैल्यूज है ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव फाइव वैल्यूज हमारे पास बन सकती है जब हमारे पास एल के वैल्यू टू होगी सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है एल वैल्यू टू मीनस की ड्यूर्बेटॉल्स की बात कर रहे नंबर <laughs> ट्वेंटी हमारे पास है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हीलियम अब हीलियम के अंदर क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है ये आप लोगों ने बताना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हो तो दो टू होता है इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पड़ा होगा और दूसरा जो हमारे पास होगा वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पड़ा होगा तो यहाँ पे पूछ रहा है क्लॉक वाइज कितना होगा तो क्लॉक वाइज आपके पास एक होगा सो तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसलिए करेक्ट है वो दूसरे वाला जो होगा वो एंटी में होगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पड़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अब हमसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास है कि वन एस टू देन हमारे पास है कि टू एस टू फिर हमारे पास टू पी एक्स होता है और फिर टू पी वाई होता है और फिर टू पी जेड होता है ठीक है तो वो जो होंड रूल्स हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सारे के प्रिंसिपल्स जो जितने प्रिंसिपल्स हैं सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उनके मुताबिक जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे ये जो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कैसे फिलअप करोगे उसको आप फिलअप करोगे क्या आप लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टू पी एक्स में हम डाल देंगे एक टू पी वाई में और फिर टू पी जेड के अंदर अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है पी का वो हमारे पास क्या होगा ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे पेयर्ड होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि टू पी वाई और टू पी जेड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ठीक है अनपेयर्ड फॉर्म का अनपेयर्ड का तो आपको पता होगा एक होता है पेयर ठीक है जो जोड़ा होता है ना लेकिन अगर आप उसको हाफ कर लेते हो जैसे आप सॉक्स लेकर आते हो पेयर की फॉर्म में लेकर आते हो लेकिन उसको आप आधा करोगे तो एक एक सॉक्स बन जाएगा तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बेटॉल के अंदर पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं लेकिन यहां पे क्या है कि जब हम रूल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्यूफिकेशन की जो तीन रूल्स हैं उनके हिसाब से जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और के अंदर तो हमारे पास ये जो है ये टू पी वाई और टू पी जेड जो है ये हमारे पास एन पेड फॉर्म में मौजूद है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एन पेड फॉर्म में मौजूद है दो तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ बढ़ते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फोर वट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एल अभी एन क्या होता है एन हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है आपको मैंने लास्ट जो पार्ट नंबर वन था उसके अंदर बताया था कि दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी एल क्या होता है एल जो है दैट इज एजमुथल क्वांटम नंबर ठीक है इसको क्या बोलते हो दैट इज द एजमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है ये साइज के बारे में बताता है ठीक है और एजबूतल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास शेप्स के अबाउट बता रहा होता है तो हमारे पास फोर टाइप के ऑर्बिटॉल्स होते हैं एक होता है एस एक होता है पी एक होता है डी और अगला जो है दैट इज एफ ऑर्बिटॉल ठीक हो गया अब इसमें ये जो एस के लिए एल की वैल्यू होती है वो होती है वन और पी के लिए होती है सॉरी uh, एस के लिए जीरो पी के लिए वन डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री की वैल्यू होती है अब यहां से हमसे पूछ रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फोर मतलब कि शेल नंबर हमारे पास फोर है व्हाट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ फिर L की वैल्यू क्या होगी तो ये हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट करनी है तो यहां पे जो हमारे पास राइट right ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला जो है वो लिखते हैं और वो फार्मूला क्या होगा कि एल इज इक्वल टू एन माइनस वन एल इज इक्वल टू एन माइनस वन अब एल जो है फोर एन uh, हमारे पास कितने है फोर है तो एन की जगह पे आप फोर लगा दो उसमें से वन को आप माइनस कर दो तो, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आपके पास आंसर जो है वो थ्री आएगा तो मतलब जीरो वन टू और थ्री ये सारे के सारे जो वैल्यूज uh, हैं ये हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं अगर हमारे पास सेल नंबर जो है वो फोर्थ होगा तो आप लोग वैसे भी देखते हो ना कि फोर एस टू भी होता है फोर पी सिक्स भी होता है फोर डी टेन भी होता है फोर एफ फोर्टीन भी होता है ठीक है तुम्हारे पास ये एस पी डी और एफ चारों हो सकते हैं फोर्थ वन शेल के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जीरो वन टू थ्री ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हो सकती है मतलब एस ऑर्बिटॉल भी हो सकते हैं पी भी हो सकते हैं डी भी होता है और एफ ऑर्बिटॉल जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास शेल नंबर जो है वो फोर होता है तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट की तरफ हम बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटॉल कैन एकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें से बताएं कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटॉल है जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिजाइड कर सकते हैं तो याद रखें कि चाहे एटामिक ऑर्बिटॉल हो चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटॉल हो चाहे मोलिकुलर ऑर्बिटॉल हो इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता एक आ सकता है सिंगली फील्ड लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा आपके पास दो आएंगे वो भी क्या होंगे ऑपोजिट पेयर फॉर्म में होंगे सो so इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ठीक है इन सब के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्मम एकोमोडेट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अच्छा ये मैं सिर्फ जस्ट इनके सब शेल की बात करूं उसके अंदर दो एकोमोडेट हो सकते हैं आप कहेंगे कि सर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी के अंदर तो आप कह रहे हैं दो तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि दो ये सब ऑर्बिटॉल के अंदर होंगे पी के अंदर वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं टोटल वो सिक्स होते हैं इसी तरह डी के अंदर टेन इलेक्ट्रॉन्स एकट होते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम जो है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स एकोडेट हो सकते हैं लेकिन यहां पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर और हाइब्रिड हाइब्रोडिटॉल की अगर बात करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं ट्वेंटी फोर हमारे पास है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इन एम शेल आर अब एम शेल के अंदर कितने ऑर्बिटॉल्स जो है वो पॉसिबल है एम शेल होता कौन सा पहला के है फिर एल है फिर एम है तो इसका मतलब है के जो है

का जो डी होता है इसकी स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग हमारे पास और और की होती है फिर तो ये अगर आप काउंट आउट करते हो वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और फिर नाइन ठीक है तुम्हारे तो पास कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं नाइन ऑर्बिटॉल जो है वो टोटल हो सकते हैं डी हमारे पास यहाँ पे क्या है करेक्ट uh, ऑप्शन है ठीक है इसको आप बेशक थ्री लिख दें थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड थ्री डी जेड एक्स थ्री डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायर थ्री डी जेड स्क्वायर इसी तरह आप ये थ्री पी एक्स कर दें थ्री पी वाई और थ्री पी जेड आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन का टेबल है वो आपको आना चाहिए कि आप पहले फिलअप करते हो इलेक्ट्रॉन वन एस टू के अंदर फिर आप जाते हो टू एस टू की तरफ फिर आप फिलअप करते हो टू पी सिक्स को उसके बाद आप थ्री एस टू की तरफ जाते हो फिर थ्री पी सिक्स और फिर उसके बाद क्या होता है थ्री डी टेन होता है इसी तरह फोर एस टू होता है फोर पी सिक्स होता है फोर डी टेन होता है और फोर एफ फोर्टीन होता है तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फिलअप करते हो पहले वन एस टू की तरफ आते हैं फिर टू एस टू फिर टू पी सिक्स फिर थ्री एस टू फिर थ्री पी सिक्स फिर फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी सिक्स इसी तरह फिर फाइव एस टू एंड सो ऑन फिर आप लोग ऐसे आते जाते हो

इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपको गिवन है कि इसके अंदर पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन है थर्ड के अंदर सेकंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन है थर्ड के अंदर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो अगर आप इन सब को जमा कर लेते हो तो आपके पास हो जाएगा फोर्टीन एट प्लस टू टेन हो जाएगा ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ट्वेंटी ठीक है अभी ट्वेंटी फोर तो ये हो गया प्लस टू भी यहाँ पे इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ किए हुए हैं अगर आप वो भी ऐड कर लेते हो तो ट्वेंटी फोर प्लस टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अभी इसने लूज तो किए हुए लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोग ऐसे फाइंड आउट करोगे कि जो एटॉमिक मैथ होता है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हो तो फिफ्टी तो सिक्स में से आप ट्वेंटी सिक्स को माइनस कर दें तो आपके पास हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स माइनस कर दो तो जीरो हो जाएगा फाइव में से टू माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा थर्टी तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा ये थर्टी आएगा ठीक है सो तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है ट्वेंटी सिक्स हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन अब इसमें से बहुत सारी स्पीशीज गिवन है आ, ये हम लोगों ने पार्ट नंबर वन जो पढ़ा था पार्ट नंबर वन जो पढ़ा था उसका एम सी क्यू नंबर फोर वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया था और वहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेशन भी दी थी यहाँ पे मैं सिर्फ ए और सी की दे देता हूं बाकी फिर आप लिख आप लोग खुद भी कर लीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए जैसे हमारे पास है सोडियम आयन ठीक है सोडियम आयन है इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो फिर प्रोटॉन्स की बात करते हो और फिर न्यूट्रॉन की बात करते हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम आयन है ना सोडियम आयन का मतलब ये है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है इलेवन तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स इसके अंदर इलेवन होंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वन का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टेन होंगे ठीक है और अगर आप इसकी न्यूट्रॉन्स की बात करते हो तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है कि 23 में से फिर आप आ, 11 को माइनस कर देते हो 23 में से आप 11 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 12 आ जाएगा इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन्स क्योंकि 23 जो है सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मैस होता है और इलेवन जो है दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्साइड आयन की फॉर्म में है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एट ठीक है लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर नाइन हो जाएंगे और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक होता 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 है 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 वो कितना होता है? 16 होता है. तो में से आप लोग जो है इसमें प्रोटॉन्स जो, जो है वो एट ही होंगे प्रोटॉन्स जो है वो एट ही होंगे एटीन एटॉमिक मैस है इसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका होता है एट तो हमारे पास कितने हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाए एट न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स ne की फाइंड आउट कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेशियो चीज की पूछ रहा है स्पीशी हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं ऑक्साइड आयन की फॉर्म में एट है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन इज या इलेक्ट्रॉन आर क्योंकि ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन न्यूट्रॉन बाकी जो है आपके पास फ्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन जो है डाई पॉजिटिव पॉजिटिव टू की स्टेट में इसको आप लोग खुद भी कर लीजिएगा यहाँ पे सोडियम में देखें इलेक्ट्रॉन्स टेन हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो ट्वेल्व है ज्यादा है तो ये वाला ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है इसी तरह फ्लोराइड आइन फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नाइन और इसी तरह मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है ट्वेल्व एटॉमिक मैथ जो है वो ट्वेंटी फोर होता है फॉर मैग्नीशियम

फाइव तो को कैसे फिलअप करोगे पहले आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एड करोगे एक्स के अंदर पी वाई के अंदर फिर पी जेड के अंदर फिर उसके बाद आपने क्या करना है यहां से ऑपोजिट स्पिन के साथ इसको ऐसे पेयर अप कर देना ठीक है तो ये हमारे पास कौन बता रहा होता है ये हमें बता रहा होता है हुन रूल्स ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है दैट इज द राइट ऑप्शन इन इलेक्ट्रॉन द अवेलेबल रोट बिफोर पेयरिंग इन एनी वन सब शेल अकॉर्डिंग टू डैश ठीक है तो जब पेयरिंग से पहले क्या होगा कि हर उस ऑर्बिटल को उपाय करेगा जो इसको एम मिलेगा अगर आपने यही इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर दिए कि लेट्स पी एक्स है पी वाई है और पी जेड है इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए ये वन टू ये थ्री फोर और ये फिर फाइव तो ये लेट्स से इसमें ऐसे आएगा पी फोर की तरफ हम बात चले जाते हैं अगर हमारे पास पी फोर है अगर हमारे पास क्या हो पी फोर पी फाइव के के केस में दोनों में सेम ही आएगा उसमें मिस्टेक नहीं आ सकती लेकिन पी फोर में अगर आप देखें अगर आप ऐसे करेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड इसको कहता है कि फोर इलेक्ट्रॉन्स पेयर करो अगर आपने इस तरह कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये आपकी गलत कॉन्सिडर होगी क्योंकि आपके पास पी जेड अभी एम्प्टी मौजूद है तो आपको पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे फिल करना होता है तो ये हमें कौन बता रहा होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे तो फोस्फोनियम आयन का अगर हमें स्ट्रक्चर आता होगा तो हम इस एम सी क्यू को कर सकते हैं अदरवाइज फिर हमसे नहीं होगा ठीक है ये हमारे पास क्या है फोस्फोनियम आयन का स्ट्रक्चर है ठीक है ये दिस इज दियम ठीक है इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव वन चार्ज जो है वो भी मौजूद होता है अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं फास्फोरस का अटोमिक नंबर होता है 15 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्विगेशन आप लोग कर दो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी थ्री हो जाएगा पहले के, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पहले सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेकंड के अंदर कितने हो गए एट हो गए थर्ड के अंदर जो लास्ट बैलेंस सेल है इसके अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए ठीक हो गया और अगर आप बात करते हो उसके हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो फाइव प्लस थ्री कितने हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर बी के अंदर 32 ऑप्शन नंबर सी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे फाइव बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के यूज हो रहे हैं और साथ में क्या होता है कि दो तीन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास यूज हो रहे होते हैं तो फाइव प्लस कितना हो जाएगा एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ट्वेंटी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके साथ साथ आपके पास मुख्तलिफक्स गिवन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं कि जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है बॉन्ड हो जाता है उसको ऑक्साइड्स के तो जैसे हमारे पास डायनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है डायनाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑक्साइड है इनकी आपने क्या करना होता है देखने के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा आइसो का मतलब होता है सेम आइसो का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है तो ऐसी स्पीशीज बताएं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना होता है कार्बन और दो ऑक्सीजन अगर आप आपस में ऐड करोगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा एनीवेज कार्बन जो है इसके अटामिक नंबर होता है सिक्स तो इसके इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन जो है इसके नंबर होता है एट तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट होंगे लेकिन ये कितने टाइम्स टाइम्स है है तो प्लस uh, कितना हो जाएगा सिक्सटीन और इसमें सिक्स कर दें तो आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे अब इसमें से आपने राइट ऑप्शन देखना है कि दूसरा ऐसी कौन सी स्पीशी दूसरी ऐसी कौन सी स्पीशी है जहाँ पे ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं नाइट्रोजन का नंबर होता है, कितने कितने है? दोनों है. इसके, इसके आप कैलकुलेट करो सेवन टू जर फोर्टीन होगा और थ्री एटी फोर हो जाएगा तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 38 तो, आ जाएगा थर्टी एट इलेक्ट्रॉन तो डाय नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के अंदर हमारे पास थर्टी एट इलेक्ट्रॉन आएंगे एन टू ओ की अगर आप बात करते हो तो आपके पास नाइट्रोजन का टॉमिक नंबर होता है सेवन दो नाइट्रोजन के आइटम है तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन का होता है एट तो सेवन टूर फोर्टीन में आप एड एट एड कर दो तो आपके पास कितना आंसर आएगा यू विल गेट ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन यू विल गेट ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा क्योंकि ये ए, क्या है इसके अंदर ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन तो का नंबर होता है सेवन और ऑक्सीजन का होता है एट तो एट और सेवन को आप करते, आपके करते कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां पे क्या होगा सेवन प्लस टू इंटू एट हो जाएगा एट टू पास कितने हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री हो जाएंगे तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट हमारे तो पास क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी शेल इज अब इसमें से बताएं कि इन सब अटोमिक uh, नंबर्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सेवन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिल करेंगे टू प्लस टू फोर हो गया फाइव ये सिक्स और ये सेवन तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी फिलिंग हो गई ट्वेल्व के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक इन्फीग्रेशन इस तरह लिखते हो कि किएगा टू पी टू पी सिक्स हो जाएगा और थ्री एस टू हो जाएंगे ठीक है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इन्विग्रेशन इस तरह हो जाएगी ट्वेल्व के लिए टेन के लिए आप लोग कैसे लिखते हो आप लोग लिखते हो ना कि वन एस टू टू एस टू फिर टू पी सिक्स और फिर थ्री एस वन हो जाएगा ठीक है सिक्स मैंने एक्सपेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे हमारे पास थर्ड शेल भी मौजूद है तो मैंने इसको ऐसी ही लिख दिया है इस तरह सिक्सटीन में अगर आप बात करते हो तो आपके पास हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और फिर थ्री पी को हम ओपन करके लिख लेते हैं थ्री पी एक्स थ्री पी वाई और फिर थ्री पी जेड इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे ये टू प्लस टू फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व फैल थर्टीन फोटीन फिफ्टीन और ये सिक्सटीन अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने की बारी आ जाती है इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको थ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है थ्री एस वन यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है कोई भी नहीं है इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर सेवन जो होता है इसके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वजह से इसकी आ, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं जो कि के हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हैं पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश अब पॉजिटिव रेज की फॉर्मेशन कैसे होती है जो कैनाल रेज होती हैं ठीक है जो पॉजिटिव आयन जो है या जो प्रोटॉन्स है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि ये हमारे पास होते हैं जब हम गैस को आयोनाइज करते हैं ठीक है जब हम गैस को आयोनाइज करते हैं लो प्रेशर तो हमारे पास क्या बनते हैं वी गेट द पॉजिटिव आयन ठीक है गैस से हम उसका क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है ठीक है इसको अपनी एनर्जी दी इससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास 32 है कि प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कैप टू प्रोड्यूस कैथोड कैथोट्रेस जब कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी मतलब जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन की थी जे जे थॉम्सन ने तो कह रहा है कि वहाँ पे uh, जो प्रेशर था वो कितना मेंटेन रखा गया था वो बहुत ही लो प्रेशर था ठीक है जीरो पॉइंट टॉर तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है दैट इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 33 हमारे uh, पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन जिंक रिस्पेक्टिवली अब यहां पे जिंक है ठीक है और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 30 होता है एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो 66 है और यहां पे चार्ज जो है इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव 2 है अब ये पॉजिटिव 2 जो है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो मार्क खा जाते हैं एम डी कैट में जब बैठे होते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो वो यहां पे मार्क खा जाते हैं तो इसमें क्या है कि आप लोग देखेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर इसके 30 है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स जो है वो हमें 30 मिल जाएंगे और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स में हम क्या करेंगे 66 में से थर्टी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स तो ये इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में बच्चे क्या करते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है बचपन बच, से कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं न्यूट्रल आ, एटम के अंदर लेकिन यहाँ पे चूंकि जिंक आयन है ठीक है पॉजिटिव टू का मतलब ये है कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज किए हुए हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं तो आप थर्टी में से दो को माइनस कर दोगे थर्टी में से आप दो को माइनस करोगे तो आपके पास ट्वेंटी एट वो आ जाएंगे तो ट्वेंटी एट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्टी प्रोटॉन्स होंगे थर्टी सिक्स न्यूट्रॉन्स होंगे सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन थर्टी फोर हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एबल टू आयनाइज़ द गैस अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा है ऐसी कौन सी रेज है जो कि गैस को आयोनाइज जो है वो नहीं कर सकती अच्छा अब यहाँ से हमारे पास पूछ रहा है कि कौन सी रेज हैं जो कि गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती अल्फा रेज हो बीटा हो या गैमा रेज हो ये सारी की सारी गैस को आयोनाइज कर सकेंगी लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते न्यूट्रल होते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि विच ऑर्डर ऑफ मैथ इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अब हमसे मैथ्स के बर्ड पूछ रहा है ठीक है कि कौन से वाला करेक्ट होगा तो यहां पे जो मोस्ट अप्रीप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन इस ये होता है सबसे ज्यादा हेवीएस्ट ठीक है सॉरी लाइटेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है दैट इज द लाइटेस्ट लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट होता है इसका मैथ जो है वो ज्यादा होता है ठीक है ये सबसे ज्यादा होता है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन uh, और इसके मैथ की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे इसके मैथ के में आ जाएगा और यहाँ पे इसका मैथ एटॉमिक मैथ यूनिट के अंदर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए के जी में इलेक्ट्रॉन का जो मैथ होता है दैट इज वन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ और इसकी अगर हम इसके एटॉमिक मैस यूनिट में बात करते हैं तो वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन थ्री होता है इसी तरह न्यूट्रॉन का मैस जो होता है वो कितना होगा के जी के अंदर मल्टीप्लाई बाई ट पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है ये हमारे पास इतना न्यूट्रॉन का मैस होगा और इसी तरह वन पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन ये हमारे पास मैथ किसका होगा एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर फॉर न्यूट्रॉन अच्छा ये जो मैंने आपको लिखवाया दैट इज फॉर द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आ, होता है मैथ वो होता हैल्टीप्लाई बाय 10 रिजॉर माइनस थर्टी वन के जी इसी तरह ए एम यू के अंदर होगा 5.48 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन रिजॉर माइनस फोर देखिए आपके पास कितना ये लाइटेस्ट uh, होता है ठीक है ये हमारे पास क्या है दैट इज द लाइटेस्ट और सबसे जो हैवीएस्ट होता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है मैस किसका होता है दैट इज़ फॉर न्यूट्रॉन ठीक है ये हमारे पास हैवीएस्ट होगा ये आप आपने अपने पास नोट करना होगा ये वैल्यूज़ है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटेड हैं थियोरेटिकल हैं तो इसको आ, आपको याद होना चाहिए थर्टी हमारे पास है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ एट प्रोटोन्स एंड एट न्यूट्रॉन्स विच एटम इज इट

की एबिलिटी बहुत ही कम होती है जो है, they are less ionizing, है? है, ठीक ये भी याद रखें कि they are less in nature. अगर less है तो इसका मतलब है कि इसको जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा या फिर बीटा रेज ठीक है थर्टी so, एट हमारे पास है कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस या गिवस फ्लैश ऑन डैश ठीक है ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जब पॉजिटिव रेस के सामने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी गई थी तो उसके ऊपर जब वो पड़ी तो जिंक सल्फाइड जो है वो चमकने लगा फ्लैशेज प्रोड्यूस करने लगा सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है करेक्ट है थियोरेटिकल आप बुक में से इसको देख सकते हैं थर्टी नाइन हमारे पास है कि द uh, वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाई अटन सोर्स इज दिस ठीक है द वेव वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट इज नंबर जो है वो हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने क्या करना है कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ इसको फाइंड आउट करना है ठीक है तो वेव नंबर आपको पता है ये इसका साइन होता है वो कितना गिवन है दैट इज 2 10 by 6 पर मीटर इज द यूनिट और फिर आपके पास जो लैम्डा है वेवलेंथ वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो इसको फाइंड uh, आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेव नंबर है वो उसका और uh, जो वेव लेंथ है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ठीक है इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा इनवर्स होगा तो अब आप लोगों ने लैम्डा को फाइंड आउट करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि इज इक्वल टू बाय दिस वेव नंबर तो इसमें वेव नंबर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो वन टू मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट्र पावर सिक्स यहाँ पे ये पर मीटर में है तो अब यहाँ से आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट्री पावर माइनस सेवन मीटर आ जाएगा ठीक है फाइव मल्टीप्लाई पर टेन स्पॉर माइनस सेवन मीटर आ जाएगा अब इसमें हम क्या लगाएंगे जीरो जीरो लगा देते हैं ठीक है फाइव डबल जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस सेवन की बजाय क्या हो जाएगा माइनस नाइन मीटर हो जाएगा और टेन स्पॉर माइनस नाइन मीटर जो है वो वन नैनो के इक्वल होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड नैनोमीटर 500 हंड्रेड अब यहाँ फाइव जीरो जीरो मैंने जल्दी में बता दिया फाइव जीरो जीरो लगाने का मकसद ये था कि इस माइनस सेवन को हम लोगों ने क्या करना है माइनस सेवन को हम लोगों ने माइनस नाइन बनाना है और माइनस नाइन जब बनाएंगे तो वन नैनोमीटर की इक्वल होता है सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है दैट इज द राइट ऑप्शन नैनोमीटर में क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो भी हमारे पास क्या है नैनोमीटर के अंदर ही आ रहा है बाकी मैथ्स वाले अगर आप हैं तो आप बेहतर समझते हैं अगर आप बायो वाले हैं तो फिर आप मेरी तरह ही होंगे फोर्टी हमारे पास है कि चार्ज टू रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिम फॉर डैश अब याद रखें कि चार्ज टू मैथ रेशियो जो है वो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है ठीक है जितना मैथ्स कम होगा उतना ज्यादा चार्ज टू मैस रेशियो होगी सो आपके पास हाइड्रोजन का मैस कितना होता है वन ही होता है तो इसकी जो चार्ज टू मैस रेशियो होगी वो ज्यादा होगी फोर्टी वन हमारे पास क्या है अदरवाइज फोर्टी वन तो इस वीडियो में कराना ही नहीं था मैं फोर्टी तक ही प्रिपेयर किया हुआ किए हुए एम सी क्यूज लेक्चर के लिए एनी वेज टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ वन एटम हीलियम इज ऑफ अब इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होंगे हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है टू ठीक है इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे कितने टू इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो भी होंगे टू और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो आ, फोर में से टू माइनस कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा टू तो ये आपके पास हो गए क्या चीज प्रोटॉन्स ठीक है ये प्रोटॉन्स हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये न्यूट्रॉन्स हो गए तो ये फंडामेंटल पार्टिकल ही तो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ना तो कितने हो गए टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ अ स्पीशी आपके पास एम पॉजिटिव टू आइन है पॉजिटिव टू का मतलब यह है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए इसके इलेक्ट्रॉनिकेशन है अब आपने क्या करना है कि एटॉमिक वेट गिवन है आपको आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक भी गिवन है तो करने का तरीका यह है कि आ, यहां से आप से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें आपके पास कितना हो जाएगा 24 ठीक है 24 हो जाएगा आपने क्या करना है मैथ नंबर निकालना है तो मैस नंबर के लिए आपके पास ये पॉजिटिव टू मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं आप वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉजिटिव टू का मतलब ये कि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और एटॉमिक मैथ uh, में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तब आपके पास क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे तो एटॉमिक इसका गिवन है 56 नंबर आपके पास है गया, 26 तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे 30 30 तो ये 30 क्या हो जाएंगे दीज वुड बी द न्यूट्रॉन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है दिस इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू डैश अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है Uh, ये हमें क्या बताता है यह हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है ठीक है यह हमें क्या बताता है इट गिव अस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बेटॉल्स ठीक है कि ऑर्बेटॉल जो है वो किस ओरिएंटेशन डायरेक्शन में उसकी ओरिएंटेशन हुई है किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है दिस इज द राइट ऑप्शन ये साइज जो है ये हमें कौन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेप्स ऑफ ऑर्बेटॉल कौन बताता है शेप्स uh, की हमारे पास एजमुतल क्वांटम नंबर है स्पिन जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास 44 है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम इज एक्सप्लेन बाय डैश अब सो, सोडियम जो है इसका जो हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसकी जो लाइंस होती हैं उसके बारे में कौन बताता है कि वो एग्जिस्ट करती हैं तो यहां पे याद रखें कि 44 का राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्पिन क्वांटम नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है ये हमें क्या बताता है ये हमें उसके लाइंस के अबाउट बताता है स्पेक्ट्रम जो टेन होता है ना उसके अबाउट लाइन बताता है अब ये यहां पे हमारे पास इन केस ऑफ ये जो है सोडियम यहां पे हमारे पास क्या होगा डुबलेट ऑप्टेन होगा हमारे पास क्या होगा डुबलेट जो है वो ऑप्टेन होगा क्योंकि बाकी जो है ये सारे के सारे जो है आ, ये हमारे पास फाइन लाइन या मल्टीपल अगर कोई स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके लिए हम इसको यूज करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया मैग्नेटिक कॉन्टम नंबर हो गया एजमुतल क्वांटम नंबर हो गया अब ये जो हमारे पास डुबलेट है डुब्लेट की बात क्यों कर रहे हैं सोडियम के केस में क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन हम लिखते हैं तो टॉमिक नंबर इसके इलेवन है वन एस टू हो जाएगा टू एस टू हो जाएगा टू पी सिक्स हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री एस वन अब S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन या तो पॉजिटिव वन बाई टू होगी या फिर वो नेगेटिव वन बाई टू होगी मतलब या तो क्लॉक वाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो इसलिए हम इसको डुबलेट कह देते हैं और ये हमें कौन बताता है ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर ही एक्सप्लेन करके देता है फोर्टी फाइव हमारे पास है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटोमिक थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश अब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड इज एस पर दोर एटोमिक थ्यूरी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है राइट right ऑप्शन है बोर एटोमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको लास्ट वाला पोस्टुलेट्स ही, ही मिलेगा 46 हमारे पास क्या है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल अब इसमें से बताएं कि कौन सा ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है सो so यहां पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी उसकी वजह क्या है एजमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता है कि एल है आ, उसकी वैल्यू क्या होगी वन टू थ्री एस के लिए हमारे पास वैल्यू जीरो होती है पी के लिए वन होती है डी के लिए टू होती है एफ के लिए हमारे पास क्या होती है थ्री वैल्यू होती है एज पर द क्वांटम नंबर ठीक है ये हम लोगों ने लास्ट जो ट्वेंटी एमसीक्यूज थे उसमें डिस्कस किया था क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज में अब यहां पे हमारे पास एन थ्री है मतलब शेल नंबर थ्री है तो एल थ्री क्या उसमें एग्जिस्ट कर सकता है एल थ्री का मतलब क्या है एलिजिबल टू थ्री मतलब एफर बट ऑल तो हमें यह पता है कि हमारे पास जो होगा वन एस टू पहले शेल के अंदर फिर हमारे पास सेकंड शेल के अंदर टू एस टू टू पी सिक्स होंगे उसके बाद आपके पास क्या होगा थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी टेन फिर आपके पास क्या होगा फोर एस टू फोर पी सिक्स फोर डी टेन फोर एफ फोर्टीन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन का टेबल जब बनाते हैं तो इस तरह आप लोग करते हो ना तो देखिए आपके पास एन थ्री है तो थर्ड शेल के अंदर कहीं आपको एफ ऑर्बिटल नजर आ रहा है क्योंकि यहां पे इसने एल इज टू थ्री किया हुआ है तो अगर आपके पास यहाँ पे थ्री एफ होता तो फिर तो ये बात ठीक होती लेकिन यहाँ पे तो आपके पास एलिजिकल टू थ्री मतलब एफ़ आरबॉल की बात कर रहे हैं थर्ड शेल में तो एफ आर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वो फोर्थ शेल से ही स्टार्ट होता है तो हमारे पास ये जो बात है ये गलत है स्पिन आपके पास ये पॉजिटिव वन बाई टू हो सकती है ये तो पॉजिटिव वन बाई टू या फिर वो नेगेटिव वन बाई टू होगी तो ये बात ठीक है लेकिन यहाँ पर ये जो एफ वाली बात इसने की है थर्ड जो शेल होता है उसके अंदर थ्री एफ चाहे वह एग्जस्ट नहीं करता थ्री एस थ्री पी और थ्री डी एग्जिस्ट करते हैं तो ये बात गलत लिखी हुई है उसके बाद इक्वल टू फाइव अगर हम फिफ्थ शेल की बात करते हैं तो फिफ्थ शेल में इक्वल टू थ्री आ सकता है ठीक है फिफ्थ शेल में इक्वल टू थ्री जो है वो आ सकता है फोर्थ शेल के अंदर भी देखें आप लोग ये देख सकते हो कि ये एक्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप लोग पहले वन एस टू को फिल करते हो फिर टू एस टू को फिर टू पी सिक्स को फिर थ्री एस टू को फिर थ्री पी सिक्स को फिर फोर पी सिक्स थ्री डी टेन फोर पी सिक्स और फाइव एस टू एंड सो ऑन आप इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है बोस प्रिंसिपल के थ्रू फिलिंग करते हो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट uh, ऑप्शन right है कि दिस इज नॉट पॉसिबल 47 सेवन हमारे पास है द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम एंड पोटासियम कैन बी डिस्टिंग्विश लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप कैसे डिस्टिंग कर सकते हो सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज 11 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अगर आप देखो तो ये हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एंड देन थ्री एस वन पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है नाइनटीन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और फोर एस वन तो अब आपने क्या करना है डिस्टिंग्विश करना है इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और फिर आपके पास जो पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो तो इसमें आप देखिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो थर्ड शेल के अंदर फॉल कर रहा है और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है फोर्थ शेल के अंदर फॉल कर रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग कर सकते हैं पहचान सकते हैं फोर्टी एट हमारे पास क्या है इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फोर वट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एल अगर आपके पास एन की वैल्यू फोर है तो फिर आपके पास एल की क्या वैल्यू हो सकती है तो ये हमारे पास इससे पहले के एम सी क्यू के अंदर भी हम लोगों ने किया कि एक छोटा सा हम लोग इसमें फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और वो ये होता है कि एल इज इक्ल टू एन माइनस वन तो एल आपके पास एन क्या है एन इज इक्ल टू फोर है ना तो आप फोर लगा दो इसमें से माइनस वन कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा थ्री और ये हमारे पास आएंगे वन टू थ्री तक की वैल्यूज ठीक है ये सारी आ सकती हैं तो आ, फोर्थ शेल जो होगा इसमें देख सकते हैं ना कि ये एस भी आ सकता है देखें फोर्थ शेल में एस भी आ सकता है पी भी आ सकता है डी भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है हमारे पास एम सी क्यू नंबर फोर्टी नाइन की तरफ बढ़ते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन टू द सब शेल फॉर विच एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू वन अब एल की वैल्यू आपको पता है कि वर्न टू थ्री अगर है एस पी डी एफ ये वैल्यूज होती हैं एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन का मतलब यह है कि आपके पास प्योर बटॉल की बात कर रहे हैं आपके पास किसकी बात कर रहा है प्योर बटॉल की बात कर रहे हैं और पी और बटॉल आपको यह पता है कि प्योर बटोल की फर्दर स्प्लिटिंग होती है सब शेल में पी एक्स पी वाई और पी जेड और हर के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी एक्स के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन पी वाई के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन पी जेड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज द राइट ऑप्शन ठीक है तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी अदरवाइज आपके पास एक फार्मूला भी है आप उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और वो फार्मूला क्या है कि टू इन टू टू एल प्लस वन ठीक है अब यहाँ पे आपसे एल की वैल्यू जो है वो गिवन, गिवन है वन एल की वैल्यू कितनी गिवन है वन है तो ये आपके पास हो जाएगा टू इन टू टू इन टू वन प्लस वन तो ये टू प्लस वन कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा थ्री ठीक है और थ्री को आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा सिक्स तो ये सिक्स होंगे और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं ठीक है आपको मैंने बताया ना कि पी एक्स के अंदर भी दो पी वाई के अंदर भी दो पी जेड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं तो आप ये वाला फार्मूला जो है इसको भी आप यूज कर सकते हैं हमारे पास है कि Again, से कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल अगेन हमसे पूछ कौन सा ऐसा है ऑप्शन yeah, so, क्या है राइट ऑप्शन बनेगा ठीक है ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया फिफ्टी वन हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल ऑफ सल्फर एटम इज अब सल्फर एटम जो है उसके अंदर कितने अनपेड uh, इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल के अंदर ठीक है पी सब शेल के अंदर अब सल्फर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन आती होगी तो फिर आप कर सकते हैं सिक्सटीन होता है atomic number तो थ्री पी जेड ये टू प्लस टू फोर इलेक्ट्रॉन और ये प्लस सिक्स कर दे टेन इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व यहां पे थर्टीन यहां पे फोर्टीन ये फिफ्टीन और ये 16 इसका मतलब है कि आपके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद हैं सो so, यहां पे जो राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी 52 हमारे पास है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला अब एक शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको कौन सा फार्मूला जो है वो रिक्वायर्ड होगा सो आपके पास जो है दैट इज टू एंड स्क्र का फार्मूला ये आपको बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आप क्या करेंगे टू एंड स्क्वेयर फर्स्ट शेल मीन एन की जगह पे आप वन लिख दो तो उसका स्क्वायर ले लो तो आप देखेंगे कि टू इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं इसी तरह सेकंड शेल के लिए आप एन की जगह पे टू लगा दो उसका स्क्वायर ले लो टू तो का स्क्वायर फोर फोर को टू से मल्टीप्लाई कर दो एट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकंड शेल के अंदर आते हैं इसी तरह अगर थ्री है थ्री का स्क्वायर ले लो तो आपके पास नाइन हो जाएगा नाइन को टू से मल्टीप्लाई कर दो एटीन इलेक्ट्रॉन्स फोर में आपके पास फोर का स्क्वायर ले लो सिक्सटीन को टू से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी टू और यही आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास नाइन्थ से तो टू एन स्क्वायर का जो फार्मूला है इसको आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल अब यहां पे जो आपके पास एक फार्मूला गिवन है टू एल प्लस वन ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स के अबाउट बताता है ये आपको क्या बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स अभी जो आपको मैंने इससे पहले बता दिया पी ऑर्बिटॉल का ये वाला यहां पे जो आपको फार्मूला बता दिया ठीक है तो ये आप यहां से उसको यूज कर सकते हो और एन स्क्वेयर जो है ये ऑप्शन डी के अंदर जो है दिस इज फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स ठीक है नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल इन शेल ठीक है अगर आप फाइंड आउट करने तो आप एन स्क्वेयर का फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हो और ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है टू इन टू टू एल प्लस वन ये आपको बता, बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल ठीक है किसी भी शेल के अंदर आ, सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिजाइड कर सकते हैं सब शेल की हम लोग इसमें बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन uh, नंबर 53 थ्री है कि विच क्वांटम नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट द सब शेल अब सब शेल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज करते हैं तो जो एजमुथल क्वांटम नंबर है यह हमें क्या बताता है शेप्स ऑफ फॉरबेटॉल के बोर्ड बताता है यह हमें क्या बताता है शेप्स ऑफ फॉर्बेटॉल के बोर्ड बताता है जैसे एस है एस फेरिकल होगा पी जो है डम्बल शेप होगा डी जो है डबल डम्बल और फिर एफ जो कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होता है तो ये शेप्स के बोर्ड कौन बता रहा होता है ये एजमतल काउंटर नंबर होता है नंबर बी इज द राइट वन फिफ्टी फोर हमारे पास है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टूजेंजर इज अब ये जो बंदा था इसने जस्ट एक थ्योरी दी थी उसने बताया था कि भाई अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आप फाइंड आउट कर सकते लेकिन प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं कि ये यहां एग्जिस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकता है और उसने वो डिस्टेंस कितने बताई थी जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री नैनीमीटर्स ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसी क्यू है इसको आपको रटा लगाना पड़ेगा याद करना पड़ेगा फिफ्टी फाइव हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एज क्वांटम नंबर अब एजमुत क्वांटम नंबर के अबाउट कौन सी बात ठीक लिखी हुई है साइज ऑफ द ऑर्बेटॉल या ओरियंटेशन इन स्पेस शेप ऑफ ऑर्बेटॉल या फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है शेप ऑफ ऑर्बेटॉल के अबाउट कौन बता रहा होता है एजमुतल क्वांटम नंबर बताता है साइज के अबाउट हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ऑरियंटेशन जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तत्व 56 हमारे पास क्या है द शेप ऑफ प्योर बटॉल इज अब प्योर बटॉल की जो शेप होती है वो किस तरह होती है दैट इज डंबल शेप सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है करेक्ट है 57 हमारे पास क्या है कि व्हिच सब शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के करीब कौन से वाला एस शेल है जो कि मौजूद है तो यहां पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज वन एस ठीक है जब आप इलेक्ट्रॉनिक इन्फिकेशन करते हो तो सबसे पहले आप वन एस को फिल करते हो उसके बाद आप टू एस की तरफ जाते हो फिर आपके पास टू पी सिक्स होता है एंड सो ऑन तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो किसकी होती है आ, वो वन एस की होती है और ये सबसे क्या कहते हैं करीब होता है किसके न्यूक्लियस के ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है फिफ्टी एट विच एटामिकर्बिटॉल हैज हाइस्ट एनर्जी अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा है जिसकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में एक रूल पढ़ाया गया है एन प्लस एन रूल उस एन प्लस एल रूल के मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हो कि एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एल इजमतल क्वांटम नंबर है वन टू थ्री सॉरी जीरो वन टू थ्री एस पी डी और एफ ये वैल्यूज हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए है। ठीक है अब यहां पे हमारे पास क्या है फोर डी है फोर डी में फोर क्या है ये शेल नंबर है तो हम इसको एन कंसिडर करेंगे और डी जो है डी uh, की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे टू तो फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स इसी तरह फाइव एस की अगर आप बात करते हो तो एन फाइव हो जाएगा एस के लिए वैल्यू क्या होती है एल की जीरो होती है तो फाइव प्लस जीरो आपके पास फाइव हो जाएगा इसी तरह फोर एफ की अगर आप बात करते हो तो फोर एन हो जाएगा एल की जगह पर आप क्या लगाओगे थ्री लगाओगे तो फोर प्लस थ्री सेवन हो जाएगा और फाइव पी की अगर आप बात करते हो तो ये फाइव एन हो जाएगा ठीक है इसमें पी जो है इसकी वैल्यू वन होती है फाइव प्लस वन सिक्स तो देखें आपके पास वैल्यूज आ गई हैं एन प्लस एल रूल के मुताबिक ये सिक्स है यहाँ पे फाइव है यहाँ पे सेवन है तो सेवन फोर एफ जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी एज पर एन प्लस एल रूल फिफ्टी नाइन हमारे पास है कि एन ऑर्बिट ऑल विच इज फेरिकली सिमेट्रिकल अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा और है जो कि सिमेट्रिकल होता है तो एस और जो है इसकी शेप क्या होती है बिल्कुल गोल होती है इस तरह सर्कुलर फॉर्म है मतलब फेरिकली सिमेट्रिकल होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी और जो है ये भी हम लोगों ने आ, मैंने आपको बताया कि डम्बल शेप होता है और ये जो आ, डी और बटॉल है डब, आ, डबल डम्बल शेप होता है और एफ और जो है इसकी शेप अभी तक पता नहीं गई मतलब फाइंड आउट नहीं की गई कॉम्प्लिकेटेड होता है नंबर सिक्स जो हमारे पास है कि कि ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट अब इसमें से बताएं कौन ऐसा कौन सा सब शेल है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ठीक है तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है टू डी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना कि वन एस टू उसके बाद आप लिखते हो टू एस टू और टू पी सिक्स अब सेकंड शेल जो है इसके सिर्फ टू एस और टू पी ही आ सकते 2D तो आ ही नहीं सकता तो इसलिए हमारे पास क्या है दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू डी नॉट एग्जिस्ट अब ये हमारे पास यहां पे वीडियो जो है इसकी uh, ये खत्म कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने ट्वेंटी एमसी क्यूज इसमें करने थे ठीक है फोर्टी टू सिक्सटी हम लोगों ने इसमें कर लिए बाकी के जो एमसी क्यूज रह गए हैं ठीक है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे सिक्सटी वन हम यहां पे कर लेते हैं चले इन डैश इज द रीजन ऑफ स्पेस इन विच देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है तो वो कौन सी जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो वो स्पेस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको क्या कहते हो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है राइट right ऑप्शन है और इसमें आप एक बात याद रखिए कि अगर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है ठीक है अगर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है स्पेस में वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है हम कहेंगे कि यार यहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस प्लेन को क्या कहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं नोड कहते हैं या फिर नोडल प्लेन कहते हैं ठीक है उसको क्या कहते हो नोडल प्लेन कहते हो जिसमें मैक्सिमम है उसको ऑर्बिटॉल और कहते हैं जिसमें जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं नोट बोलते हैं 62 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक शेल इज टोल्ड बाय द क्वांटम नंबर अब साइज के अबाउट कौन से क्वांटम नंबर बताते हैं साइज के अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है दैट इज द राइट ऑप्शन सो आई होप सो आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो होगी अगर आपको कोई भी सवाल है कोई क्वेश्चन है जो आप कराना चाहते हैं मुझसे या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं इसके अलावा कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट हमारे पास सिक्सटी थ्री है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल या प्रिंसिपल हेल्प अस टू डिटरमेन ऑर्डर ऑफ ऑफ फिलिंग सब शेल बाय इलेक्ट्रॉन देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन करते हो तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन जो है वो वन एस टू के अंदर फिल करते हो फिर टू एस टू के अंदर फिल करते हो फिर टू पी सिक्स के अंदर फिल करते हो थ्री एस टू और फिर इसी तरह आप थ्री पी की तरफ एंड सो ऑन आप ऐसे बढ़ रहे होते हो ये जो वन एस है ये हमारे पास क्या होता है इट इज प्रेजेंट एट द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ठीक है हमारे पास सबसे लोवस्ट एनर्जी के ऊपर होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है कि आप लो एनर्जी फिर उसे थोड़ा सा हाई हाई एंड हाईएस्ट की तरफ आप बढ़ रहे होते हो तो ये कौन सा रूल है या कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको बताता है तो दैट इज वर्ड इज द दिंसिपल ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है दैट इज द राइट ऑप्शन वो यही कहता है कि जैसे आप लोगों ने स्टेप्स हैं स्टेप्स में आप लोगों ने ऊपर चढ़ना है तो आप पहले पहले वाली स्टेप के ऊपर पांव रखते हो फिर सेकंड के ऊपर फिर थर्ड के ऊपर फिर फोर्थ के ऊपर फिर फाइव के ऊपर इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पहले लो एनर्जी में फिल करते हो के अंदर फिर आप हाई एनर्जी की तरफ मूव करते हो सो so, uh, होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी जनरेट ऑर्बेटॉल ठीक है डी जनरेट ऑर्बेटॉल के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो वो कौन बताएगा वो हॉर्ंड रूल बताएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स आपने प्योर बोटोल के अंदर फिल करने तो प्योर बोटोल में पी एक्स भी होता है पी वाई भी होता है और पी जेड भी होता आपको कहता है कि यहां पे फिल करो। तो आप क्या करोगे कि आप पी जेड के, के, के अंदर और उसके बाद फोर्थ वन जो है वो पे आके क्या हो जाएगा पेड़ हो जाएगा ठीक है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है डी जनरेट और बटोल मीन डी जनरेट और बटोल वो होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है अब पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो दी थ्री हैव द सेम एनर्जी अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फोर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही कर दी कि यहाँ पे वाई कर देते हो हो यहां PZ कर देते तो आपको कहता है कि फोर इसमें फिल करो आप एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कर लेते हो दूसरा भी यहां पे, कर लेते हो, तीसरा भी यहां पे और चौथा यहाँ पे कर लेते हो तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्विगेशन होगी एज पर द होन रूल ये आपके पास क्या है ये गलत है तो डी जनरेट और बटोल्स की फिलिंग आप लोग होन रूल्स के मुताबिक करते हो अब यहाँ पे मोजले ला लिखा हुआ ये इस टॉपिक से बिल्कुल हट कर है लेकिन चूंकि अब यहां पे इन्होंने मेंशन किए हुए तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि बता देता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन प्रोडर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ठीक है अब मुझल लाने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट की थी प्रोडर्टेबल में अब अगर पॉलीस्क्रूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये हमें क्या, है, क्या कहते हैं क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और के अंदर कैसी होनी चाहिए नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 64 है कि फिलिंग ऑर्डर ऑफ 4s बिफोर 3d इज एक्सप्लेन बाय डैश जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो हम पहले 4s को फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके बाद हम क्या करते हैं 3d में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह हमें कौन बताता है ये हमें बताता है n प्लस एन रूल हमें कौन बताता है n प्लस एल रूल बताता है और n यहां पे क्या है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल नंबर पर पता है एल हमारे पास क्या है इज मुदल कॉन्ट नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता है कि जीरो वन टू थ्री जीरो वैल्यू है एस के लिए और वोटॉल के लिए पी के लिए वन डी के लिए टू और एफ के लिए हमारे पास क्या है थ्री वैल्यू होती है अब हम एन प्लस एल रूल अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं अप्लाई करते हैं तो एन हमारे पास क्या होगा फोर शेल नंबर हमारे पास क्या है फोर है एस की वैल्यू आपके पास क्या होती है जीरो होती है तो आप फोर प्लस जीरो कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर अब थ्री में थ्री डी में थ्री क्या है दैट इज द एन और डी के लिए वैल्यू क्या होती है टू थ्री प्लस टू आपके पास क्या आंसर आएगा फाइव तो अगर आप एनर्जी के बेसिस पे देखते हो तो फोर एस की एनर्जी फोर होती है और थ्री डी की एनर्जी हमारे पास क्या होती है फाइव होती है तो लो एनर्जी किसकी है लो एनर्जी किसकी है दैट इज फॉर द फोर एस ऑर्बेटॉल तो हम फोर एस ऑर्बेटॉल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे थ्री डी के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे ये पोटासियम में आपको नजर आएगा पोटासियम का टॉमिक नंबर होता है नाइनटीन तो जाएगा वन एस टू 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद हम लोग क्या करते हैं 4s1 कर देते हैं ठीक है तो बजाय के हम 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं, हम लोग ने 4s में डाल दिए क्यों क्योंकि इसकी जो एनर्जी uh, होती है एज पर n प्लस एल रूल ये लो होती है सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दैट इज द राइट ऑप्शन नंबर 65 है कि डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल ऑफ अ पर्टिकुलर शेल इज डैश अब अगर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है और फिर सबसे हाईएस्ट किसकी होती है तो so, यहाँ पे हमारे पास जो राइट right ऑप्शन है दैट इज एफ डी फिर पी और फिर हमारे पास ये एस है ठीक है डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल एफ़ की एनर्जी आपके पास सबसे ज़्यादा होगी और फिर एस जो होगा उसकी सबसे कम होगी 66 हमारे है पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट अब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के अबाउट कौन सा द होन रूल ठीक है रूल आपको बताता है कैसे बताता है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग करोगे तो आपके पास आएगा 1s2 2s2 और फिर 2p 2 आ जाएगा ठीक है तो अगर आपके पास ये है और उसके बाद आप इसको ऐसे लिखते हो वन एस फिर टू पी एक्स फिर टू पी वाई और फिर टू पी जेड अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है कि यहां पे कार्बन की विलेंसी जो है वो कितनी है और टू है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और ये कौन कहता है कि अगर आपके पास डी जेनेट और बटॉल अवेलेबल है तो आपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे क्या करना है सिंगली फील्ड करना होता है जब तक ये सारे सिंगल फील्ड नहीं हो जाते डी जनरेट और बटॉल तब तक आप इसकी पेयरिंग जो है वो नहीं कर सकते तो ये आपके पास क्या है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी टू होगी लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि एस का एक और जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है आ, इसकी एक्साइटेशन हो जाएगी तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर भी एक आ जाएगा तब हम देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी फोर होगी एनी ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कौन बताता है हॉर्न रूल्स बताता है सो यहाँ पे राइट right ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारे पास 67 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें से बताएं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर मौजूद हैं तो सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम आयन ठीक है तो कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज द ट्वेंटी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन अगर आप लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा वन एस फिर टू पी और फिर थ्री पी सिक्स हो जाएगा ठीक है और ये पॉजिटिव टू का मतलब यह कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुके हैं दो इलेक्ट्रॉन क्या है यहां से रिमूव किए हुए कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज है तो हम क्या करेंगे कि बजाय ट्वेंटी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम लोग एटीन की करेंगे तो पहले शहर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए दूसरे के अंदर एट आ गए तीसरे के अंदर भी एट एट प्लस एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू एटीन तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां पे सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कि सारे के सारे क्या कहें कम वो है पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है डी के सारे के सारे कह पेड फॉर्म में मौजूद है इसी तरह अगर हम निकल की बात करते हैं निकल के ऊपर भी पॉजिटिव टू चार्ज है इसका टॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी एट तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्वेंटी सिक्स की क्यों क्योंकि यहाँ पे निकल पॉजिटिव टू है इसने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए हुए तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनवेशन को लिखते हैं तो वो कुछ यूँ होगा कि वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फिर हमारे पास हो जाएगा फोर एस और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा थ्री 3D. डी तो थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड थ्री डी जेड एक्स थ्री डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन थ्री डी जेड ठीक है ये डी और बटॉल की फर्दर सब शेल अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है 26 होंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे 26 होंगे तो फोर एस जो है यहां से तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए ठीक है अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए तो ये हमारे पास क्या होगा ये एम रहेगा फोर एस जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास रह जाएंगे कितने सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और यहां पे एक जो है वो पेयर्ड हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है ना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा दैट वुड बी द राइट ऑप्शन ठीक हो गया अब ये फोर एस के अंदर मैंने जीरो इलेक्ट्रॉन क्यों रखा क्योंकि फोर एस के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो इसने ऑलरेडी क्या किए हुए लूज किए हुए हैं उसके बाद हमारे पास क्या है पोटाशियम विद पॉजिटिव वन चार्ज पोटाशियम क्या एटॉमिक नंबर होता है नाइनटीन अब यहाँ पे पॉजिटिव वन चार्ज इसका मतलब है इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो एटीन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और एटीन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इन्विग्रेशन है आप यही लिखोगे वन एस टू टू एस टू फिर टू पी सिक्स फिर थ्री एस टू और फिर थ्री पी एक्स थ्री पी वाई और थ्री पी जेड यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स तो एटीन इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे इसी तरह जिंक है जिंक का एटॉमिक नंबर होता है थर्टी लेकिन इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए तो आप इसमें से दो माइनस कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट अब ट्वेंटी क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक करनी है याद रखें कि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स जो आप लोग रिमूव करते हो ना तो यहाँ पे हो थ्री एस टू फिर थ्री पी सिक्स और फोर एस आपके पास वैलेंस होगा इसका तो उसमें जीरो इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि वो दो पॉजिटिव टू स्टेट की फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए हैं अब आपके पास रह गया थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड थ्री डी थ्री डी जेड एक्स और थ्री डी अब माइनस वाई आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद रह गए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो यह हमारे जाएगा वन टू थ्री फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन और ये

और इसमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेन होते हैं फोर एस टू क्योंकि वैलेंस सेल है ठीक है वैलेंस है ना फोर्थ इसके अंदर फोर, इस फोर हैल की बात कर रहा है तो ये फोर एस टू अभी जो आपको बताया कि फोर एस को हम पहले क्यों फिल करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू तो थ्री डी तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यहां पे सीख सीख जाएंगे आई होप सो और दूसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस के रिमूव होंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो फिर डी में कितने आ जाएंगे टेन uh, इलेक्ट्रॉन्स और वो सारे के सारे क्या होते हैं पेयर्ड होते हैं एनीवेज बताने का मकसद ये था एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आप लोग ये जान सकें सीख सकें कि अगर आपके पास आयंस गिवन हैं ठीक है तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके कैसे देख सकते हैं कि किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो आप लोगों ने देखा कि निकल के अंदर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं 68 हमारे पास है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 इट बिलोंग्स टू पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियडिबल रिस्पेक्टिवली अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है ठीक है लेट से वो एक्स है उसका नंबर 16 है सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन कर तो आपके पास हो जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, हम लोग थ्री एस टू और फिर थ्री पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टू प्लस टू फोर हो जाएगा फोर प्लस सिक्स आपके पास हो जाएगा टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व और ट्वेल्व प्लस फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो अब देखें थ्री एस टू और थ्री पी फोर आपके पास कंफिग्रेशन आ गई है इसमें ये जो थ्री है आपको जो थ्री नजर आ रहा है ये वाला ये आपके पास क्या दिस इज़ शेल नंबर तो शेल नंबर इसका क्या है थर्ड है थर्ड शेल है और उसके बाद फोर प्लस टू ये आपके पास क्या है वैलेंस के है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास आ गए हैं फोर प्लस टू सिक्स तो ये आपके पास थर्ड शेल है और सिक्स ग्रुप है ठीक है तो सिक्स सबसे पहले आपके पास क्या है पीरियड uh, सॉरी और उसके बाद आपके पास क्या है ग्रुप है तो यहां पे राइट right ऑप्शन जो है दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सिक्सटी सेवन ऑप्शन नंबर सी कौन से वाला ये दिस इज द राइट ऑप्शन अब ये थ्री क्यों है थ्री <clears throat> आपके पास क्या है दिस इज द पीरियड सॉरी थ्री आपके पास क्या दिस इज द पीरियड शेल नंबर आपको क्या बताता है यह आपको पीरियड बताता है ठीक है थर्ड पीरियड है ठीक है ये थर्ड पीरियड है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या बताते हैं ये आपको क्या कहते हैं ग्रुप के बारे में बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको किस बारे में बताते हैं ग्रुप तो आपके पास क्या होगा सिक्स ए ग्रुप है ठीक है सिक्स ए ग्रुप है अच्छा जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सिक्सटी नाइन यहां पर मैं सॉरी कन्फ्यूज आपको शायद कर दिया है ये आपके पास जो वैलेंस शेल होता है ना जैसे आपके पास यहाँ पर थ्री थ्री रहा है वैलेंस शेल आपको क्या बताता है ये आपको हमेशा पीरियड के बारे में बताता है वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या बताते हैं ये आपको हमेशा ग्रुप नंबर के अबाउट बताते हैं आई होप सो आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर सिक्सटी नाइन की तरफ बढ़ते हैं विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल आप इसमें से बताएं कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि नहीं पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी वजह क्या है क्यों नहीं है देखो वन एस टू तो ठीक है टू एस टू भी ठीक है टू पी सिक्स भी ठीक है अब यहाँ पे थ्री डी जो है ये तो बाद में आता है इसकी तो अगर आप इनर्जी देखेंगे तो इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है तो टू डी जो है वो वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है आपके पास क्या हो जाएगा वन एस टू सेकेंड शेल में आपके पास सिर्फ आएगा टू एस टू और टू पी सिक्स क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं एन स्क्र के फार्मूले के हिसाब से अगर आप लोग करते हो एन स्क्वायर के फॉर्मुले एन वन है तो आपके पास वन का स्क्वायर ले लो ठीक है तो अब यहां पे क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स आपको बताता है यहां पे सिक्स प्लस टू एट इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे ना सेकंड शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टू का स्क्वायर ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा फोर ठीक है और इसको आप टू से मल्टीप्लाई करते हो टू, टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला एक्चुअली टू एन स्क्वायर का टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर फो, सॉरी फो, टू का स्क्वायर ले लो फोर आ जाएगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एट आ जाएगा ये इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है टू एन स्क्वायर। फर्स्ट शेल अगर आपके पास है तो एन की जगह वन लगा दो वन का स्क्वेयर ले लो वन और टू से मल्टीप्लाई कर दो बस टू आ जाएगा देखो तो आप पहले शेल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हो टू एन स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज करके सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो टू का स्क्वेयर ले लो फोर आ जाएगा फोर को फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो बस एट आ जाएगा और देखो टू एस के अंदर सिर्फ टू एस और टू पी एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन टू डी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी है, है, 2S2, 2S2, 2P, है ये भी आपके पास क्या है पॉसिबिलिटी है नंबर सेवनटी की तरफ बढ़ते हैं मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन टू दब शेल फॉर विच एन एज इकू थ्री एल टू वन अब वो सब शेल बताएं जिसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल हैं ठीक है और एल आपके पास क्या है एल की वैल्यू वन है तो जीरो वन टू थ्री एजमित कंटो नंबर है ना वन टू सॉरी एस पी डी और फिर आपके पास एफ अब यहां पे एल आपके पास वन है और वन आपके पास क्या है प्योर पेटॉल है वन आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो इनके अंदर क्या आते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्मरेट हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है दैट इज द राइट ऑप्शन ठीक है और यहां पे आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि टू इन टू टू एल प्लस वन इस फार्मूले से भी आप लोग इसको कर सकते हो अब इसमें अगर आप करना चाहें तो टू इन टू टू एल की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे एल आपके पास क्या है वन है तो आप वन लिख दो सिंपल और इसको प्लस वन कर दो पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो टू प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगा टू वन जार टू और इसको प्लस वन कर दो थ्री हो जाएगा थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास सिक्स आ जाएगा और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आप डाल दें आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है कि हाउ मेनी टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम विद विदिक ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर अटोमिक नंबर है इसमें से देखेंगे टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आपको मिलते हैं सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर दो ठीक है एटॉमिक नंबर आपके पास क्या ट्वेंटी फोर है तो आपके पास हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी आपके पास फोर हो जाएगा थ्री डी फोर हो जाएगा लेकिन अब इसको तो आप इग्नोर कर दो ना इसकी तरफ आ जाओ आप लोग फोर एस टू और थ्री डी फोर की तरफ इसमें होता है क्या है कि आप लोग इसको ऐसे लिखते हो फोर एस के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन लिखते हो ठीक है फिर XY, थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जेड थ्री डी जेड एक्स थ्री डी एक्स माइनस वाई और थ्री डी जेड अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आप लोग कैसे करेंगे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है फोर इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री और ये फोर ठीक है अब इसमें होता है क्या है कि ये जो टू एस का एक इलेक्ट्रॉन है टू एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी एक्साइटेशन करके हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं आपके पास हो जाएगा फोर एस वन इसी तरह थ्री डी एक्स वाई के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन वेक आ जाएगा थ्री डी वाई जेड के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन थ्री डी जेड एक्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थ्री डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायेयर और थ्री डी जेड स्क्वायर सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं आपको सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ठीक है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इन्विग्रेशन जो है वो राइट होगी अगर आपने फोर एस टू और थ्री डी फोर कर दिया तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इन्वीग्रेशन रॉन्ग होगी उसकी वजह क्या है उसकी वजह है कि हम लोग केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ते हैं वो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटॉल है ठीक है अगर एक ऑर्बिटॉल है वो कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शियली फिल्ड है तो वो क्या होगा स्टेबल कन्फिगुरेशन होगी अब यहां पे थ्री डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स टेन को अगर आप हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा फाइव तो डी के अंदर अगर टेन इलेक्ट्रॉन्स हो या फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे तो कन्फिगुरेशन क्या होगी केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से वो स्टेबल होगी इसी तरह एस और के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसको आप हाफ कर दो इसको क्या कर दो इसको आप हाफ कर दो तो आपके पास वन आंसर आ जाएगा एस के अंदर अगर वन इलेक्ट्रॉन है या टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास ये कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी ये स्टेबल होगी तो अब इन इसके केस में जो एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर मतलब क्रोमियम जो है इसके केस में क्या होता है कि फोर एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं डी के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फोर एस बी हाफ फिल्ड और थ्री डी भी हाफ फिल्ड तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन क्या होगी स्टेबल अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एस के अंदर और फाइव जो है डी के अंदर है आ, ए, ए, एक फोर एस के अंदर और बाकी फाइव जो है वो थ्री डी के अंदर तो ओवरऑल सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर में मौजूद हैं सेवेंटी टू वैन फोर एफ और इज कंप्लीट द एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन गोज इन टू डैश अगर आपके पास फोर एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी सॉरी फाइव डी फोर एफ़ की एनर्जी अगर आप लुक देखते हो तो एफ़ के लिए वैल्यू क्या होगी जीरो वन टू थ्री एस पी डी और एफ ठीक है एफ के लिए वैल्यू क्या होगी फोर एफ़ में फोर एन प्लस एल रूल के हिसाब से हम देख रहे हैं एफ के लिए आपके पास होगी थ्री तो आपके पास ये सेवन हो जाएगा और उसके बाद फाइव डी आता है फाइव डी कैसे आएगा इसके लिए एजमल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी डी के लिए वो होगी टू फाइव प्लस टू सेवन ठीक है अब फोर एफ और फाइव डी अगर आप इसको देखते तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है लेकिन अब यहां पे क्या शेल नंबर फोर है यहां पे फाइव है तो अब रूल्स के हिसाब से जो शेल नंबर जितना कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोग पहले फिल करोगे उसके बाद आप क्या करते हो 5d डी की तरफ जाते हो सिक्स एस की अगर आप इसके क्या कहते हैं एनर्जी फाइंड आउट करते हो वो क्या होगी वो सिक्स प्लस जीरो हो जाएगी ठीक है जीरो क्यों लिखा क्योंकि एल की वैल्यू आपके पास एस के लिए जीरो होती है और फाइव पी में अगर आप लोग देखते हो तो फाइव प्लस पी के लिए वैल्यू जो होती है वो वन होती है फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगी इसी तरह फोर डी फोर प्लस d के लिए वैल्यू क्या होती है टू तो ये सिक्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि पहले हम फोर एफ को करेंगे फिल और उसके बाद फिर हम फाइव डी की तरफ जाएंगे और एन प्लस एल रूल जो है वो भी आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पे 73 आपके पास क्या है कि विदाउट अप्लाइंग हुन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड अब इसमें से कहता है कि जब तक आप हुन रूल को अप्लाई नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है इनमें से एक ऐसा है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो यहां पे हमारे पास फॉस्फोरस है फॉस्फोरस काटॉमिक नंबर होता है फिफ्टीन ठीक है फॉस्फोरस काटॉमिक नंबर क्या होता है फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को जिस तरह हो जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स फिर थ्री एस टू और फिर थ्री पी एक्स थ्री पी वाई और फिर थ्री पी जेड अब फिफ्टीन है तो यहां तक ट्वेल्व हो जाएंगे थर्टीन 14, फिफ्टीन अगर आपने ये जस्टिफाई अगर आपने ये ना किया अगर आपने इस तरह कर दिया थ्री पी एक्स थ्री पी वाई और थ्री पी जेड इसमें आपने इस तरह कर दिया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपने ये वाला रूल जो है वो अप्लाई करना था फॉस्फोरस के केस में नियॉन में आपके पास क्या होता है कि तो सिर्फ 2p तक ही आता है डी के एट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे जैसे 1s2 है 2s2 और 2p6 ये फिल्ड है कंप्लीटली इसी तरह फ्लोरीन में भी यही होगा फ्लोरीन का नंबर होता है फ्लोरिन सोडियम का नंबर होता है इलेवन तो एक्चुअली जो जो आपके पास चीज है वो है ये है ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस के अंदर प्योर बटॉल होता है इनमें अगर आप होन रूल को अप्लाई नहीं करते तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर की तरफ बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अब इसमें से बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट right ऑप्शन है दैट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.116 पॉइंट वन वन सिक्स माइनस एट सेंटीमीटर इतनी नहीं होती ठीक है तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी अब रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की कितनी होती है ये आप लोगों ने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है अगर आप लोग नहीं कर सके तो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा अभी आई डोंट नो एग्जैक्टली द वैल्यू के जो उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो क्या थी तो इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ अदरवाइज़ मैं पिन कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं सेवेंटी फाइव हमारे हाँ पास क्या है कि विच स्पीशी हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल एंड पेन अल्टीमेट लास्ट इज सेकेंड सेल तो अब आप बताएं कि कौन से वाला ऐसा होगा तो ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखो क्लोराइड आयन है क्लोराइड आयन में आपके पास क्या होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब ये आयन है नेगेटिव वन चार्ज इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मजीद और भी है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो जाएंगे अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी वन एस टू 2s2, 2p6, 3s2 और आपके पास क्या हो जाएगा 3p6 ही हो जाएगा अब देखो इसके फर्स्ट फर्स्ट शेल शेल में सेकंड शेल में सेकंड दो इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल के अंदर भी एट इलेक्ट्रॉन है तो ये जो शेल है थर्ड शेल ये इसका वैलेंस शेल है ये इसका कौन सा है सबसे जो बाहर वाला शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और वैलेंस शेल से जो अंदर वाला शेल होता है उसको हम पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं। अब के अंदर कितने है? eight, के अंदर भी है। और यही चीज आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्पीशी है, जिसके अंदर, और के जो है, वो सेम है। अगर आप सोडियम की बात करते हो तो सोडियम के केस में क्या होता है सोडियम का नंबर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सोडियम जो है पॉजिटिव केस में टेन इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्फिगरेशन कर दो वन टू 2s2 और फिर 2p6 पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेकंड के अंदर एट तो ये बात गलत है इल्यूमिनियम का अटोमिक नंबर होता है थर्टीन इल्यूनियम का अटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज ठीक है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव थ्री चार्ज इसका मतलब इसमें तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास टेन होंगे और वो भी एक्जैक्टली यही कंफिग्रेशन होगी तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी नंबर सेवनटी सिक्स है फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिलेट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब के अबाउट कौन नहीं बताता तो यहां पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा ये नहीं बताता ना कि आप शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रखो या चार रखो या बीस रखो वो कौन बताता है वो तो आपको टू एंड स्क्वायर का फॉर्मूला बताता है या एन प्लस एल रूल जो है ये आपको बताता है हॉर्न रूल्स बताता है ठीक है ये आपके पास क्या होते हैं राइट ऑप्शन है लेकिन राइट uh, ऑप्शन right जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑक्टेट रूल जो है ये कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट नहीं बताता शेल्स के अंदर ऑक्टेट रूल क्या है ऑक्टेट रूल ये है कि uh, कोई एटम अगर है या एलिमेंट है उसके वैलेंस सेल के अंदर अगर एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तब जाके वो क्या होगा वो स्टेबल कॉन्सिडर होगा जैसे सोडियम के केस में आपको मैंने बताया सोडियम के वैसे नंबर होता है इलेवन लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके अंदर टेन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस की तरह हो जाएगी तब जाके क्या हो जाएगा स्टेबल होगा एल्यूमिनियम एल पॉजिटिव के केस में क्या है ये स्टेबल है अदरवाइज एल्युमिनियम एटम अगर है तो ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर वैलेंस में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं एनीवेज नेक्स्ट नंबर 77 की तरफ है कि बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर नंबर 29 is, अब 29 इज एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्विग्रेशन अगर आप आप लोग करेंगे तो वो किस तरह होगी <coughs> हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी नाइन हो जाएगा फोर एस टू और थ्री डी नाइन इसमें भी एग्जैक्टली exactly वही चीज होगी जो क्रोमियम में हम लोगों ने की थी कि हमारे पास क्या है फोर एस टू और थ्री डी नाइन ना तो हम क्या करेंगे कि फोर एस टू का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर एस वन और थ्री डी टेन अब ये आपके पास क्या है दैट इज द कंप्लीटली फील्ड ऑरबेटॉल ये आपके पास क्या है इज दैट द कंप्लीटली आपके पास क्या है पार्शली फिल्ड तो पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड ऑरबेटॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्फिग्रेशन जो होगी वो स्टेबल होगी तो आपके पास देखिए फोर एस वन और थ्री डी टेन कहां पे है तो ये आपके पास देखें थ्री डी टेन और फोर एस वन आ रहा है सो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या दैट इज द राइट ऑप्शन सेवेंटी एट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स अब बताएं कि इसमें से कौन सा है जिसके अंदर मिनिमम डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है तो इसको करने के लिए आप इसको खुद कर लीजिएगा मैं आपको जैसे इसका जो राइट right ऑप्शन है ना वो बता देता हूं कि इसका राइट right ऑप्शन आपके पास कौन सा बनेगा सो so यहां पे राइट right ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है है पॉजिटिव टू चार्ज है इसके अंदर कम से कम जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे आयरन का मैं कर देता हूं आए, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा आयरन का नंबर होता है पे मतलब पॉजिटिव थ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए तो आपके पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इसके रह जाएंगे ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग इस तरह करोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स फिर आपके पास हो जाएगा थ्री एस टू फिर आपके पास हो जाएगा थ्री पी सिक्स ये हो गए ट्वेंटी फोर एस और फिर थ्री डी फोर एस में से भी एक रिमूव कर दो और दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आप लोग करेंगे फिर आपके पास थ्री डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वन रह जाएगा थ्री डी वन जो है वो यहां पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि बाकी जो तीन इलेक्ट्रॉन्स है फोर एस से आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए दो एक थ्री डी से भी रिमूव कर दिया तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए तो ये आप इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किसके अंदर आएंगे दैट इज द ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेवेंटी नाइन है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल ऑफ फ्लोरिन इज अब फ्लोरिन जो है इसका अटोमिक नंबर क्या होता है फ्लोरिन का अटोमिक नंबर होता है नाइन तो वन एस टू टू एस टू आपके पास क्या हो जाएगा टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो ये हो जाएगा टू प्लस टू फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट और ये नाइन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन क्वेश्चन नंबर एटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम इज अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लोगों ने करनी है पोटाशियम की तो पोटाशियम में क्या होगा पोटेशियम का अटामिक नंबर होता है नाइनटीन वैलेंस के अंदर क्या होगा फोर एस वन ही होगा ना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और देन फोर एस वन ठीक है फोर एस वन आपके पास आ जाएगा और ये किसके ज्यादा करीब है ये आरगॉन एटॉमिक नंबर एटीन के करीब है सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा दैट वुड बी द राइट ऑप्शन